भारतीय जो टीम है बिन इंग्लैंड के साथ में 25 जनवरी से 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलनी है। इसके लिए टीम इंडिया को स्क्वेयर को भी ऐलान हो गए और थन बताऊं तो टीम इंडिया का जो पहला 2 टेस्ट मुकाबला है वह के लिए टीम इंडिया को ऐलान हो चुके हैं। हालांकि इस टेस्ट मैच के बारे में अगर बात करूं तो इस टेस्ट मैच में बहुत से खिलाड़ी हैं कहीं जिनको टीम में स्क्वेयर में जगह क्यों बनी, आपकी जगह क्यों क्यों बनी, अब बात तो सिर्फ बीच से ही जाने। लेकिन ये जो खिलाड़ी ये अपनी दम पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करता आ रही है, तो अगर थाना खिलाड़ी को नाम मैं बताऊंगा तो खुद जानेंगे चौक जाओगा कि आ खिलाड़ी ने टीम में जगह कहीं मिली। इनमें सबसे पहला नाम जो है वो अजिंक्य रहाणे। आप खुद भी सोच सको कि आईपीएल 2023 में अजिंक्य रहाणे सीएसके की टीम के लिए कितना अच्छा प्रदर्शन करे हो, और इसके बावजूद अजिंक्य रहाणे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी इंडिया के लिए धोनी पारे में शतक जमाया। लेकिन इसके बावजूद भी अजिंक्य रहाणे ने टीम में मौका कौन मिल रहे हो, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज में टीम के स्क्वाड में दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने मौका कौन दिया गया, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और रहाणे की अब तक करियर की बात करूं तो रहाणे अब तक 25 टेस्ट मैच में 5,077 रन बनाए। रहाणे के बाद में अगला जो नाम है वो पुजारा को, यानी कि जो राहुल द्रविड़ है के बाद में कोई खिलाड़ी है जिन्हें क्रिकेट की दीवार की ओजा सके तो वो है पुजारा। टीम इंडिया को जो अनुभवी बल्लेबाज है पुजारा बिना टेस्ट चैंपियनशिप के बाद में मौकों को मिले। पुजारा लगातार घरेलू क्रिकेट में बहुत ही बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन के बावजूद भी बीसीसीआई को जाने पुजारा पे कौन जा रहे हैं। पुजारा अब तक टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट मैच में 7195 रन बनाए। अगले खिलाड़ी को जो नाम है वो उमेश यादव। उमेश यादव हालांकि जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है के लिए तो बड़े खिलाड़ी कुनी, लेकिन उमेश यादव को जो टेस्ट करियर है वो देख के सबका सब चौंक जाएगा। जो खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और हाल ही में खिलाड़ी को प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया है। आईपीएल में पिछले कुछ साल के अंदर जो खिलाड़ी अपना तेज गेंदबाजी के अंदर निखार लेके आए हैं। और एक खिलाड़ी को एक शानदार बात यह है कि जो खिलाड़ी जो विदेशी पिची बाग के ऊपर खिलाड़ी को प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहे, लेकिन के बावजूद भी खिलाड़ी ने लगातार टीम से बाहर रखे जा रहे हैं। टीम इंडिया के लिए यो खिलाड़ी अब तक 57 टेस्ट मैच खेले और 57 टेस्ट मैच में 170 विकेट आपका नाम करेंगे, तो एक विकेट देख के खुद सोच को कि यो खिलाड़ी विदेशी पिचा पे कितना कारगर साबित हो। अगले नंबर 4 पे जो खिलाड़ी नाम आवे वो मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल जो कि टीम इंडिया को सलामी बल्लेबाज है। अग्रवाल ने आईपीएल में पंजाब किंग्स की ओर से खेलता लगभग 3-4 साल होगी और हर बार यो खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन के बावजूद भी खिलाड़ी ने टेस्ट में मौका कौन मिल रहे हो, बार बार इस खिलाड़ी ने टेस्ट से बाहर खड़े जा रहे हैं। मयंक अग्रवाल अब तक 21 टेस्ट मैच में 41 की बेहतरीन औसत के साथ में 1488 रन आपका नाम करें, और अब मैं टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक एक खिलाड़ी के नाम गई, यानी कि 21 मैच में 4 शतक आपके नाम करें, और साथ में टेस्ट के अंदर की बेहतरीन औसत कितनी है 40 है। अगले जो लास्ट खिलाड़ी आवा है वो हनुमा विहारी। हनुमा विहारी जो कि टीम इंडिया को एक ऑलराउंडर है, जो खिलाड़ी अब तक 16 टेस्ट मैच खेले और 16 टेस्ट मैच में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 889 रन बनाए। हनुमा विहारी को नाम भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक नाम कुंद दिए गए, और हनुमा विहारी ने पिछले कुछ साल से लगातार टेस्ट से बाहर खड़े जा रहे, लेकिन यो जो खिलाड़ी है यो ओपनिंग में मिडिल ऑर्डर में और अंतिम ओवर में भी बहुत कारगर साबित हो सके, बहुत अच्छी बार खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग भी कर चुके हैं, तो यो खिलाड़ी एक ऑलराउंडर के तौर पर टेस्ट में टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर थानी वीडियो चोखा लगे तो वीडियो लाइक करियो और इस चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो ने अपना दोस्तों तक शेयर जरूर करियो।